सभापति महोदय, सदन में आज बढ़ी हुई महंगाई से आम लोगों के जीवन पड़े प्रभाव को लेकर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, 10 दिन 18 तारीख से लेकर और पिछला जो 28 तारीख था, 10 दिन का समय पक्ष विपक्ष ने जहां करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लोकसभा चलाने को लेकर, और पूरे देश का नौजवान किसान लोकसभा की ओर देखता है सत्र कब चलेगा, कब सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देगी, और इस बात में 10 दिन गंवा दिए। इसमें विपक्ष से एक मिनट विपक्ष से साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी 2 दिन बराबर इस बात के खराब किए कि इस बात को लेकर राष्ट्रपति के बाद की माफी मांगे। ये चाहते मैं धन्यवाद दूंगा लोकसभा अध्यक्ष जी का, जिन्होंने बीच बचाव करके आज सदन को चलाया। क्या हुआ? और आज पूरा देश इस ओर देख रहा है कि महंगाई जैसे मुद्दे पे चर्चा हो रही है। सबसे सर्वदलीय बैठक में भी हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से सदन में महंगाई पे चर्चा करने की मांग की, और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस विषय पर अपना पक्ष रखा। आज सत्ता और विपक्ष के साथियों को महंगाई को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। सत्ता पक्ष की तरफ से मैं देख रहा था कई लोग बड़ा लंबी तैयारी के साथ आए, ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल के अंदर वापस विस्तार होने वाला है। बहुत अच्छा वक्तव्य कई लोगों ने दिया, मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि हो सकता है मंत्रिमंडल के अंदर आ गए। सभापति महोदय, इस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चर्चा महंगाई पे तभी सार्थक साबित होगी जब सरकार देश में महंगाई को नियंत्रित करने को लेकर तत्काल ठोस कदम उठाएगी, सदन के सदस्यों के सुझाव पर अमल करेगी। मेरे पंजाब से आने वाले पूर्व मंत्री ने इस बात की चिंता जाहिर करी। किसानों का आंदोलन जो देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, ऐतिहासिक आंदोलन था, और 1000 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि बिल काले कानून वापस लिए। तब ये बात हुई थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेकर और MSP तमाम जो फसलें MSP के दायरे को लेकर, यह बहुत बड़ी मांग थी किसानों की, जायज मांग भी थी, इसको लेकर कमेटी बनाई और इनको MSP के दायरे में लाने की बात की। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस ओर अभी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और किसान वापिस सड़कों पर। मेरी मांग रहेगी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें और किसानों के जितने भी मुद्दे थे जिसको लेकर किसान आंदोलित थे, और तीनों कृषि बिलों के वापिस लेने के साथ ही जो सरकार ने आश्वासन दिया, सरकार को इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए, किसानों को अपने वादे पर सरकार को खरा उतरना चाहिए। समझ महोदय, मैं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में महंगाई ने जिस स्तर को छुआ उससे निर्धन और मध्यम तबके पर जो खराब असर पड़ा वो चिंताजनक है। लेकिन 2009 से 2014 जब कांग्रेस का कार्यकाल था, UPA के कार्यकाल वाली सरकार में भी बहुत ज्यादा महंगाई थी, तभी भाजपा वालों ने एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा आप लोगों ने दिया था। और देश की जनता ने आपको भरोसा करके NDA को सत्ता में काबिज करवाया 2 बार। पिछली बार तो मैं भी आपके साथ था NDA के अंदर, लेकिन एक एक, एक आपके साथ ही तो बोर्ड प्लीज हनुमान मेरीवाल जी, हनुमान मेरीवाल जी, मना कब कर रहा हूँ, हनुमान मेरीवाल जी वोट मांगे थे, हनुमान मेरीवाल जी, वर्तमान सरकार ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए और एक समाचार पत्र में प्लीज माइंड अप कोई सदन में दोहरा रहा हूँ कि घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई चिंता का विषय, और कर का बोझ भी उस वर्ग पर डाला जा रहा है जिसके हाथ में करने के लिए काम नहीं है, जिसकी जेब और पेट खाली है, उस वर्ग को कर में छूट दी जा रही, जिसकी तिजोरियां भरी हुई है। और ये बात काफी हद तक सही भी है मोदी, ऐसे में आमदनी बगैर अर्थव्यवस्था और पानी बगैर नदी की कल्पना करना बेमानी है। स्रोत सूख गए तो समझिए दोनों का अस्तित्व संकट में, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी कुछ इस दिशा में बढ़ रही है, और जाहिर है कि देश की मौजूदा आर्थिक नीतियों आमजन के अनुकूल नहीं, क्योंकि एक तरफ अरबपतियों की संख्या तो बढ़ रही लेकिन मध्यम वर्ग की जो हालात है, गरीबी का दायरा बढ़ा, चिंता के प्रतिकूल नीतियों के कारण बाजार में मांग नहीं होने के बाद भी महंगाई। आज 2 मिनट में समाप्त करता हूं। सौज मोदे, अर्थव्यवस्था में आ रहे आप तो 2 मिनट में घंटी बजाते, डिस्टर्ब करते थे साहब, तो जो होता है वो भी है कि 2 मिनट में क्या बोले आप, इतनी तैयारी तो मैं बोलूं, नहीं तो बैठ जाऊं मैं, बता दो आप, दो मिनट बोलना सबको टाइम। यू कंक्लूड नाउ। सभा मोदे, व्हाट इज योर फाइनल पॉइंट? उतार चढ़ाव के कारण वास्तव में भारत में सभी वस्तुओं का मूल्य तेजी से बढ़ा, और जिसका वस्तुओं के आयात को भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता देखना, आप क्यों डिस्टर्ब करो मेरे को मिली, और ये सही है कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा, उसके बावजूद रूस यूक्रेन के युद्ध से भी असर पड़ा। लेकिन हम कोरोना की बात को दोहराते हुए, आखिर कब तक देश की जनता को महंगाई की आग में धकेल रहे, इस बात पर सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। सौज मोदे, सरकार को इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि देश में महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही, जिससे हम लोगों का जीना दुभर हो गया, पेट्रोल डीजल से लेकर फल समाप्त कीजिए के दाम, एक मिनट में समाप्त करो प्लीज, दाम आसमान पर है। आपके सरकार में
पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान पर, इनकी दरें बढ़ने से प्रत्येक असर महंगाई पर पड़ा रहे। ऐसे में 2014 में जब आपकी सरकार बनी और आज की बात करो, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इसलिए मेरी मांग है पेट्रोल डीजल की कीमतों को और ज्यादा कम किया जाए, किसान को खेत में अपना ट्रैक्टर जोतने के लिए कम कीमत पर डीजल मिले, आम आदमी कम किराए में सफर कर सके। आपने मई माह में एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल 9.55 रुपए, ऑनरेबल मेंबर से इनके खत्म कराओ, सब एक मिनट लास्ट खत्म करो, डीजल 7 रुपए सस्ता किया है। बावजूद इसके उत्तर भारत के प्रमुख 15 शहरों में यस He won't stop.